हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के बारे में, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक नई मेरिट लिस्ट निकल के आई हुई है, तो उसके बारे में आपको बता रही हूँ। हालांकि मैंने तीन जगहों की मेरिट लिस्ट के बारे में बता चुका है, तो आज मैं एक और जगह का मेरिट लिस्ट आया है और उसका एग्जामिनेशन डेट भी आया है। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं मेरिट लिस्ट आया है। यहाँ पे आपने जितने भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जितने भी मतलब की सब्जेक्ट है, जितने भी पोस्ट के लिए निकाली गई थी, उन सब का एक ही बार मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो चलिए बताऊंगी कि इसमें वो कौन सा जिला आता है और इसका एग्जामिनेशन डेट कब होता है, इसका एग्जाम कहाँ पे और कैसे होता है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इसी वीडियो में देने जा रही हूँ। और नेक्स्ट किस जिले का यहाँ पे आने वाला है मेरिट लिस्ट, तो ये मेरिट लिस्ट और एग्जामिनेशन डेट मैं दोनों को बताने जा रही हूँ। और इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होने वाला है, इसको हम कहाँ पे जाके सबमिट करेंगे, और यहाँ पे यहाँ कितने लोगों को इसमें सिलेक्ट किया गया है, ये सारी जो है मैं आपको बात बताने वाली हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, पूरा वॉच कीजिए मेरे वीडियो को। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए आ चुके हैं हम अपने पहले वाले ही वेबसाइट पे। जैसा कि मैं पहले वाला है वेबसाइट पे जाके हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। और आपको एक और बात मैं बता देती हूँ कि अगर आपको चेक नहीं करना है तो आप अपने जिले की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे कि आप पलामू के रहने वाले हो तो palamu.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। कोई गिरिडीह का रहने वाला है तो गिरिडीह.nic.in पे जाके चेक कर सकता है। इसी तरीके से हम लोग अपना चेक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आज कहाँ पे आया है मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2021 मेरिट लिस्ट और एग्जामिनेशन डेट जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम उसके वेबसाइट पे आते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे मेरा पहले वाला ही पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे देखिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इस पे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल अंडर झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट पाकुड़। जैसा कि आप जानते हो कि ये झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट के ही तरफ से निकाला जाता है और हमें अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी वहीं पे जाना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट को लेकर। तो चलिए इस पे क्लिक करके हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए आ चुकी हूँ मैं अपने वेबसाइट पे। यहाँ पे देखिए मैं बताती हूँ, ये आपका जो है कल ही ये डाला गया है, ये आपको 17 दिसंबर को ही डाला गया है। इसका एंड डेट है आपका 22 दिसंबर 2021, यानी कि 22 दिसंबर तक इसे कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, लैंग्वेज टीचर के लिए यहाँ पे निकाला गया है, मैथ टीचर के लिए निकाला गया है, साइंस टीचर, सोशल साइंस टीचर, जनरल के लिए निकाला गया है, सोशल साइंस टीचर एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो ऑलमोस्ट हमारे जितने भी रिक्वायरमेंट थे उसके लिए हमने फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे निकाल दिए गए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन करके। यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो सभी टीचर्स हैं, वो सभी बीएड और डीएलएड किए हुए हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सब फॉर्म फिलअप किया होगा, तो मैं ये तो नहीं जानती कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप अपने सब्जेक्ट वाइज जाके आप चेक कर लीजिएगा प्लीज। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बताती हूँ जो लिस्ट निकाली गई है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारा जो है निकाला गया है। और हमारा यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि अगर हमारा यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही हमें इसका एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, तो अगर इसमें हमारा नाम आता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे हमारा नाम आता है तो हमारा सिलेक्शन हो चुका है। हालांकि यहाँ पे नाम आने में चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिसका मेरिट बनेगा उसी का चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बहुत ही कम मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो गई है। जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने जाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो वहाँ पे लाइन लगी रहती है, और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम निकाली गई हैं।
तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपका यहाँ पे नाम आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बताऊंगी। हाँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो निकाला गया है ये हमारे पाकुड़ जिले का है। यहाँ की अभी तक आ चुका है देवघर, चतरा और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, एक और मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको पाकुड़ जिले का बता दी हूँ। और यहाँ पे कोई कमेंट किया था कि मैम रांची का कब आने वाला है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आता है मैं आपको बताती जाती हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। आप बस वीडियो को पूरा वॉच किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जितने भी टीचर्स की वैकेंसी आती हैं और ब्लॉक लेवल वैकेंसी आती हैं हमारे झारखंड में, उसकी अपडेट मैं आपको दूँगी। तो अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको बता दूंगी। और यहाँ पे आपके नंबर पे कॉन्टेक्ट भी करा जाएगा। और यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी नहीं बताया है, तो कुछ दिन में आने वाली होगी इसका एग्जामिनेशन डेट, आज या कल आने वाली होगी, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आप भी अपने वेबसाइट पर चेक करते रहिए, और इस लिंक को देखने के लिए आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं।